बहुत समय पहले एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था। राजा साहब जब भी राज्य परिदर्शन करने के लिए जाते थे, तब वो देखते थे कि वो किसान बहुत ज्यादा खुश था। वो किसान बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। तब एक दिन राजा के दिल में बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। वो मन ही मन बस यही सोचने लगे थे, अरे ये क्या, मैं राज्य का राजा हूँ, मेरे पास संपत्ति की कोई भी सीमा नहीं है, पर फिर भी मैं उसके तरह खुश नहीं हूँ। पर वो आखिर इतना खुश क्यों है? तब राजा साहब ने एक दिन उस किसान को राज्यसभा में बुलाए थे। राज्यसभा में बुलाने के बाद उन्होंने उस किसान से पूछा था, आखिर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे इतना ज्यादा खुश रहने की आखिर क्या वजह है? तब उस किसान ने कहा था, महाराज मैं खेत में काम कर जितना भी कमाता हूँ मैं उससे ही बहुत खुश हूँ, ना मैं उससे ज्यादा कामना करता हूँ और ना ही मुझे उससे ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए मैं हमेशा खुश रहकर बस भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तब राजा को ये बात बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। राजा को लगा था शायद उसकी खुशी की कोई और वजह है और वो झूठ कह रहा है। तब राजा ने अपने मंत्री को कहा था, तुम उस किसान के ऊपर थोड़ा नजर रखो। तब कुछ दिन के बाद मंत्री ने राजा को कहा था, महाराज उसकी खुशी की बस एक ही कारण है कि उसके जीवन में ज्यादा चाहते नहीं है बस। तब महाराज ने कहा था, क्या वाकई में ऐसा संभव है? तब मंत्री ने राजा के साथ परामर्श कर एक योजना बनाए थे। तब मंत्री ने उस किसान के घर के सामने 1000 स्वर्ण के मुद्राएं रख दिए थे। तब अगले ही दिन सुबह उठकर उस किसान ने देखा था कि उसके घर के सामने 1000 स्वर्ण के मुद्राएं है। तब वो धन पाने के बाद वो मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। वो बस यही सोचने लगा था कि शायद उससे कोई उसकी संपत्ति छीन लेगा। तब ये सब सोचकर उसको रात भर नींद ही नहीं आती थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजरने के बाद एक दिन वो सारे स्वर्ण के मुद्राएं राजा साहब को देकर कहे थे, महाराज मैंने ये 1000 स्वर्ण के मुद्राएं पाया है, पर ये पाने के बाद से मेरे अंदर से सारी खुशियां चली गई है, और अगर ये मेरे पास रहा तो मैं कुछ दिनों बाद ही हंसना ही बिल्कुल भूल जाऊंगा, और इसीलिए मैं आपको ये दे देना चाहता हूँ। तब राजा और मंत्री हंसने लगे थे और उन्हें विश्वास हुआ कि वो किसान बिल्कुल ही सच कह रहा था कि उसके जीवन में ज्यादा चाहते नहीं है और इसीलिए ही वो इतना ज्यादा खुश है। दोस्तों, हमारे जिंदगी में जब भी हमारे कोई छोटी सी चाहते पूरी होती है, हमारी चाहते और भी ज्यादा बस बढ़ता ही जाता है, और चाहते बढ़ते बढ़ते एक समय के बाद हमें किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, और इसीलिए आप अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो फिर आपके पास जो कुछ भी है उसे लेकर ही बस खुश रहने की कोशिशें कीजिए। अपने जिंदगी में जरूर आगे बढ़ते रहिए, पर अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश रहने की कोशिशें कीजिए और खुशी के साथ ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और उसके साथ साथ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।